अपने पूरे व्यूज को, आपके चैनल के व्यूज को, अहले पाकिस्तान को दिल की यथागरी से ईद उल अज़हा मुबारकबाद कहूंगा। आप लोग देख रहे हैं कि तकरीबन 7 बजे का टाइम है और पहले दाल खत्म हो गई थी और अब माशाल्लाह के चावल खत्म हो गए हैं। माशाल्लाह हमारी शहजादी ने यहाँ पे माशाल्लाह क्या है, अभी सिंह लगा हुआ है। ओए अस्सलाम वालेकुम फूडीज, क्या हाल चाल है जनाब के? उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे। आपका होस्ट आपका दोस्त शाम मफागी हाजिर है आप लोगों की खिदमत में एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो जनाब आज हम आए हैं शाद बाग में और आज हम कर रहे हैं कवर दाल चावल वाले, जो आजकल बड़े फेमस हुए हैं टिकटॉक पे। तो अब इनके खाने छाने का रिव्यू करते हैं, आप लोगों से वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे नहीं हुआ है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बगैर टाइम तो इसके अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में जो हमारे साथ एक गेस्ट है, पहले मैं उससे मिलवाता हूँ आपको, जो कि है मेरी शहजादी मिंसा। तो आज की वीडियो में हमें मिंसा और वकार ने ज्वाइन किया, तो देखो मिंसा सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम, मुँह से बोलो। अभी सो के होती है, रास्ते में बेसिकली सो गई थी, तो आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो भी थोड़ी ये इनका टोटल मेन्यू है और उम्मीद करता हूँ आपको मेन्यू प्रॉपर नजर आ रहा होगा। ट्राई करते हैं, ऑर्डर करते हैं और आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करते हैं। हाँ भी थोड़ी यहाँ पे माशाल्लाह क्या है, अभी शुरू लगा हुआ है, ये आवाम का रश आप देखें यहाँ पे, कहते हैं आवाम का रश हुआ है और लिटरली इस टाइम तकरीबन 6:30 हो रहे हैं और भाई यहाँ पे अभी भी वही वाला सीन चल रहा है सुबह दोपहर वाला। भाई यहाँ पे दरअसल पार्सल पैक हो रहे हैं और जा रहे हैं, तो अब इसका खाना ऑर्डर करते हैं और फिर उसका रिव्यू भी आप लोगों का शेयर करते हैं। और भाई थोड़ी आप लोग देख रहे हैं कि तकरीबन 7 बजे का टाइम है और इनके माशाल्लाह खत्म से खत्म हो ही जा रहे हैं। पहले दाल खत्म हो गई थी और अब माशाल्लाह इनके चावल खत्म हो गए हैं, ये दोबारा उसको रिफिल करते हैं। कोई टाइम देखिए ना, और इनकी क्वांटिटी आप माशाल्लाह चेक करें, क्या हैवी किस्म की हर चीज़ अभी दोबारा रिफिल हो गई है। ये इनकी पालक हम लोग पहुँच चुके हैं इनकी सिटिंग में और हमने इनका मेन्यू देखा, मेन्यू से हमने ऑर्डर कर दिया इनका। बेसिकली यार काफ़ी दिन हो गए हैं शादी वाले, आज खाने की एक वाइब होती है ना, उससे तरस रहे थे, बड़ा दिल कर रहा था शादी वाला खाना खाने को। तो इनकी वही हमने ये सुनी हुई थी कि शादी वाला खाना हमें यहाँ पर मिलता है, मैं कहते आज इनको कवर करते हैं आप लोगों के लिए, रिव्यू शेयर करते हैं उसका। अब हमारा खाना आता है थोड़ी देर में, तो उसका रिव्यू करते हैं फिर आप लोगों से शेयर करते हैं। हाँ तो भैया आज की वीडियो में हमें ज्वाइन किया वकार साहब ने और माशाल्लाह हमारी शहजादी ने, ये जनाब हमारी छोटी सी प्यारी सी शहजादी हमारे साथ आज मौजूद है और शर्मा रही है क्या किधर आई हो बताओ जरा, पापा को किधर आई हो, पापा के साथ किधर आई हो बताओ, किधर? खाना खाने आई है? हाँ नहीं नहीं बात, खाना खाने आई है भाई हमारी बेटी हमारे साथ। और हाँ जी विकी भाई, अब आप बताओ जरा कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आज दूसरा भी लोग है मेरा आपके साथ, तो देखते हैं ये फूड पॉइंट जो है आपने सजेस्ट किया था, तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं कभी आया भी नहीं, तो आप लेकर आए हैं साथ इंशाल्लाह। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, काफी इन्होंने घूम चाहिए टिकटॉक पे, आगे चलो इसका ट्राई करते हैं, चलो अब खाते हैं और रिव्यू देते हैं। हाँ इसका भी रिव्यू देते हैं इंशाल्लाह, खा के कैसा है टेस्ट यहाँ का इंशाल्लाह। हाँ भी पूरी हम लोगों का खाना आ गया और हमने ऑर्डर किया इनका पालक गोश्त चावल दाल चावल कोरमा और ये चल रहा, और मिंसा मैडम से तो सबर ही नहीं हो रहा है, शुरू कर दिया हमसे हमारे बगैर ही उन्होंने,
तो चले बारी बारी रिव्यू करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले यार क्वांटिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये भी मैंने हाफ मंगवाया है, ये भी मैंने हाफ मंगवाया है, ये भी मैंने हाफ मंगवाया है और क्वांटिटी आप लोगों के बिल्कुल सामने है। बाकी जहाँ तक यही टेस्ट की बात, अब इसको टेस्ट करते हैं और फिर रिव्यू आप लोग शेयर करते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं इनका जो पालक चावल है वो ट्राई करते हैं, फिर अच्छा बताते हैं आप लोग। बिस्मिल्लाह। आपने सिर्फ जर्दा खाना है? फर्स्ट फ्राइड है सेम ऑथेंटिक जो आप वो शादी में खाना मिलता है भाई वापस, वो टेस्ट है इसका। फैमिली नहीं लोग कहते ये शादी वाला खाना भाई यहाँ पे मिलता है। अगर मैं इनके पालक चावलों को रेट करूंगा तो आई वुड रेट 8/10, डिसेंट टेस्ट है भाई। और अब मेरी बेटी मिल्सा खाएगी, ये मिल्सा ने खाने कैसे लगे मिन्सा को? अच्छे हैं? नहीं अच्छे नहीं हाँ? अच्छे हैं जोर से बताओ, अच्छे हैं भैया अच्छे हैं। तो अब हम ट्राई करते हैं कि दाल चावल, दाल इन्होंने कुछ ज्यादा डाल दी है, चावल बेसिक छोटे हैं सारे इनके और ठंडी भी हो गई हुई है क्योंकि हमारा कोतमा बाद में आया, दाल चावल हमारे पहले आ गए थे इसलिए। बाकी अब खाते हैं और मिन्सा को भी खिलाते हैं। ओए ओए पालक से ज्यादा ये मजे के लगे भाई मजे, एक तो इनकी दाल की ये अच्छी चीज लगी मुझे, मैं खिलाता हूँ अपनी बेटी को दाल की इनकी अच्छी चीज ये तो दाल इनकी जो है ना पतली नहीं है। ले लो अब मिन्सा ने खाया और मिन्सा से पूछते हैं मिन्सा को कैसा लगा इनका दाल चावल। मिन्सा कैसे लगे आपको दाल चावल? अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं जी। तो भाई मुझे भी पसंद आए इनके दाल चावल, अगर मैं दाल चावल को रेट करूंगा तो आई वुड रेट 9/10। हाँ बहुत अच्छे टेस्ट है इनका, डिसेंट टेस्ट है और मतलब चेस्ट करवाने वाली चीज़ है। मतलब एक होती है ना बॉयल दाल, मतलब फीकी फीकी वो चीज़ नहीं है, स्पाइस फ्लेवर है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है भाई, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब इनका ट्राई करते हैं हम जर्दा, यार इनके जर्दे के जो चावल है ना मिन्सा एक मिनट बेटा, इनके जो जर्दे के चावल है ना चावलों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लंबा लंबा चावल है और मतलब जुड़े भी नहीं है चावल, जैसे खिले खिले अलग अलग चावल होता है वैसे ही चीज़ है, वैसे ही इनकी क्वालिटी है, वैसे ही दाल चावल की भी है, वैसे ही पालक चावल की भी है। हालांकि मुझे मीठा कोई इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन जो ऑथेंटिक भाई शादी वाले खाने हैं ना लिटरली ये वो चीज़ है। अभी हम इनका कोरमा चावल आते हैं इनके साथ, फिर कोरमे को भी ट्राई करके आप लोगों का बाकी अगर मैं फुल ऑन जिसको जर्दे को रेट करूँगा तो इसको मैं रेट करूँगा 9/10। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, बहुत ज़्यादा फीका नहीं है, बहुत ही नॉर्मल इसका मिठास है, मतलब आगे आवाज़ार होने वाली चीज़ नहीं है। तो भाई हमने अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, अब विक्की को कहते हैं वो खाता है और खा के रिव्यू शेयर करता है। बाद वो कहा था बिस्मिल्लाह पड़े पालक जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है और चावल के साथ टेस्ट इसका बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन इसको फिर भी मैं रेट जो है 9/10 दूंगा। ठीक है अच्छी है, टेस्ट अच्छा है इसका फिर।
नहीं। दाल चावल इनके बहुत ज्यादा मजे के हैं, जिसको मैं जो रेट दूंगा 10/10 है। बहुत ही टेस्टी दाल चावल है। मुझे भी पालक से ज्यादा इनके दाल चावल पसंद आए हैं। पालक से ज्यादा दाल चावल फ्लेवरफुल है, काफी मजा आ रहा है दाल चावल खाने का। ठीक हो गया, सारी प्लेट मैं ही खत्म कर दूंगा भाई। और मिनसा में मैडम हमारी दाल चावलों की शौकीन हुई है इससे कि बस मुझे दाल चावल दे दो। ज़्यादा भी क्या माशाल्लाह अच्छा है, जिसमें बहुत ज्यादा मीठा नहीं है और मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है सर्दे में, तो अच्छा है टेस्ट। इसका भी हम रेट देंगे 10/10। अब नहीं सर हमारी तो है वो दाल चावल खाएगी, मैं खिलाता हूँ। मुझे भी देख खाने दो, मिलता पापा को भी खाने दो। हाँ तो भाई फूडी साहब, हम लोगों ने आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर कर दिया है, रेटिंग भी दे दी है और माशाल्लाह व्हाट्सएप यहाँ के ऑनर है हमारे साथ हैं। अब इनसे पूछते हैं कि माशाल्लाह किन की टाइमिंग क्या है और कितने अरसे से ये सेटअप चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भट्ट साहब, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप माशाल्लाह आपकी टाइमिंग एक तो बताएं, टाइमिंग क्या है? ये हमारी दुकान का नाम है भट्ट दाल चावल, कुमरदीन रोड वसनपुरा, और ये हमारी टाइमिंग है दिन 12 बजे से रात 1 बजे तक। ठीक हो गया, ठीक है। और मैं दूर से आने वालों को कहूँगा आप कोशिश करें 12 से रात 12 से पहले आए। ये इनकी लोकेशन है और ये इनकी टाइमिंग है, कुमरदीन रोड वसनपुरा लाहौर। मेन्यू हमने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया है। भट्ट साहब, आप हमारे व्यूअर्स को जो पैगाम देना चाह रहे थे वो भी आप बता दें। आपके चैनल के तवसल से सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा, उसके बाद मैं अपने पूरे व्यूज को, आपके चैनल के व्यूज को, अहले पाकिस्तान को दिल की यथागराहियों से ईद उल अज़हा मुबारकबाद कहूंगा। एडवांस अल्लाह पाक सब के लिए ये मौका खुश नसीब है, सबको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने की तौफीक दे। आमीन आमीन। आपका बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, माशाल्लाह हमने इनका खाना खाया, यकीन माने लिटरली जो कहते हैं ना कि शादी वाला खाना, वाकई इन्होंने यहाँ पे हमें 150 में आप शादी वाला खाना यहाँ पे आपको मिल सकता है। मेरी गारंटी है, जिसने खाना है आए ना टेस्ट मिले मैं जिम्मेदार हूँ। आज भी फूडीज ये था हमारा आज का व्लॉग, मैं कहता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हमने के बाद सलाम कर दो, बाय 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 बाय।